तो फाइनली दोस्तों बजाज ने लॉन्च कर दी है पल्सर N250 6 से 7 अपडेट के साथ। इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज कंफर्ट कैसा है, सेफ्टी कैसी है, गियरबॉक्स कैसा है, फुल डिटेल में राइड रिव्यू आपको इसका शेयर करने वाला हूं। इसकी ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। राइड पे जाने से पहले छोटा सा वॉकराउंड आपको शेयर कर देता हूँ। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो भाई इस बार बजाज कंपनी ने इस एन सीरीज में बहुत ही अच्छा मतलब कि मेहनत से काम किया है। यहाँ पर 250 का ग्राफिक्स दिया गया जिसमें मेहरून वाइट ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो रेड कलर के ऊपर में ये जो ग्राफिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा धांसू लग रहे हैं भाई साहब। यहाँ पर N250 लिखा हुआ है डुअल टोन कलर में। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर 37 mm डायमीटर के अप साइड डाउन USD फॉर्क आपको मिल जाते हैं जो कि NS 200 से लगभग 3 या 4 mm ज़्यादा मोटे हैं। दो पार्ट में आपको आगे वाला मडगार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। फ्रंट में आते हैं तो भाई पहले की तरह ही यहाँ पर आपको आई सेप के LED DRL मिल जाते हैं, और नीचे में आपको मिलता है भाई यहाँ पर आपको VI फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप, ठीक है। तो रोशनी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएगी। बाकी साइड में भी आपको डुअल टोन कलर के ग्राफिक्स मिल जाएंगे। हेडलाइट का जो हिस्सा है ये वाइजर, ये आपको एकदम ग्रे कलर में मिलेगा। यहाँ पर आपको LED वाले विंकर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अभी तक मिसिंग है, वो है कि हैजार्ड होता तो काफ़ी अच्छा रहता। सेफ्टी की बात आती है तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। फ्रंट में 300 mm डायमीटर की पेडल डिस्क आपको मिलती है जिसमें क्रेमिका कंपनी के कैलिपर मिल जाते हैं। बाकी इसका जो डुअल चैनल ABS का जो परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, जब हम बाइक को चलाएंगे तो आगे में बात करेंगे। 110/70/17 का काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा आपको टायर आपको मिल जाएगा फ्रंट वाला। अब रियर में आपको लेकर चलता हूँ तो भाई यहाँ पर आपको 230 mm की पेडल डिस्क आपको मिल जाती है, तो पीछे भी आपको ABS मिल जाएगा और साथ में इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल को भी इसमें कंपनी ने इस बार ऐड कर दिया है। अगला अपडेट यह है कि भाई जो टायर है वो पहले वाले से 140/70/17 का हो चुका, मतलब कि जो टायर है वो 10 mm ज़्यादा चौड़ा कर दिया करेंगे। पीछे में आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है। इसका कंफर्ट कैसा है जब हम चलाएंगे तो आगे में बात करेंगे। ट्विन बैरल टाइप का यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा। इसका साउंड आपको सबसे पहले सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर इंजन को ठंडा करने के लिए लिक्विड कूल्ड वाला सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा भाई ऑयल कूलर वाला सिस्टम, ठीक है, जिसमें ऑयल जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा और इंजन इसका ठंडा होता रहेगा। इंजन और पावर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दिया है भाई 249 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve BS6 फ्यूल इंजेक्टेड OD2 कंप्लाइंट वाला नया इंजन जो आपको 24.5 PS की अधिकतम पावर देता है 8,750 RPM पर और 21.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, वो भी 6,500 RPM पर। अब सीट कंफर्ट की बात आती है तो यहाँ पर आपको स्प्लिट वाली सीट मिल जाती है, और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो ना तो बहुत ज़्यादा मुलायम है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। बाकी चलाने में इसका कंफर्ट कैसा है जब हम बैठेंगे तो आगे में चलाते हुए बात करेंगे, ठीक है। बाकी पीछे में आपको पीछे वाली प्लेन के लिए स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल और स्प्लिट वाली टेल लैंप आपको मिलती है ग्लाइटर पैटर्न के साथ। अब भाई गियर पे आ जाते हैं तो इस बाइक में आपको टोटल 5-speed गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। तो पिछली वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें कंपनी को 5 गियर देने चाहिए थे। अब देखते हैं कि इसमें 5 गियर की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो ये तो भाई चलाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक। 14 लीटर का 14 लीटर का मेटल बॉडी का पेट्रोल टैंक आपको मिलेगा। E20 की बैजिंग आपको मिल जाएगी। USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट आपको मिल जाएगा। अब देखो हैंडल बार इसमें आपको सिंगल पाइप मिल जाती है, तो बहुत लोगों ने पिछली वाली वीडियो में कमेंट किया था कि भाई इसमें क्लिप ऑन बार हैंडल बार जो है वो देनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो क्लिप ऑन बार हैंडल बार होती है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है कुछ समय के बाद, ठीक है। इसमें फाइनली जो है वो कंपनी ने फुल डिजिटल मीटर कंसोल का अपडेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर RPM मीटर आपको मिल जाएगा, घड़ी आपको मिल जाएगी, साइड स्टैंड स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, नीचे में फ्यूल गॉज दिया गया है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पल्सर 3088 लिखा हुआ है, मतलब कि ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने का नंबर है। इसको अगर आप मोबाइल में कनेक्ट करके यही वाला नंबर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, ABS की लाइट है, TC मतलब कि ट्रैक्शन कंट्रोल को इस बार कंपनी ने इसमें ऐड कर दिया। अगला इसमें आपको राइडिंग के लिए 3 मोड आपको मिल जाएंगे जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ही सिर्फ दिए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑफ रोड आपको मिल जाएगा, तो ऑफ रोड कंडीशन में अगर आप चाहो तो इसके ट्रैक्शन कंट्रोल को आप स्विच भी कर सकते हैं, मतलब कि बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, जैसी आपकी डिमांड हो, ठीक है। बाकी इसमें आपको रेन मोड आपको मिल जाएगा, रोड मोड आपको मिल जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, टर्न बाई टर्न GPS नेविगेशन असिस्ट वाला फीचर्स मिल जाएगा, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट, और आप अपने फ़ोन की बैटरी का लेवल भी देख सकते हैं।
बाकी जो टॉप स्पीड है वो भाई इसकी लगभग 150 के आसपास चली जाती है। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो ये मोटा मोटी आपको तकरीबन 35 से 40 का माइलेज आपको एक लीटर पेट्रोल में देने वाली है। अब देखो दोस्तों, जो पुरानी वाली N250 आती थी वो भी लगभग सेम आपको इसी प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलती थी। तो कंपनी ने इस बाइक का जो प्राइस है वो मात्र रखा है 1,50,829 रुपये, तो प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, लगभग वही प्राइस है। तो ऑन रोड ये जो बाइक है वो तकरीबन 1,80,000 से और 1,78,000 के बीच में ऑन रोड जा सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस बाइक का एक छोटा सा राइड रिव्यू। सबसे पहले हम करेंगे इसका 0 से 60 और 80 की परफॉर्मेंस को टेस्ट, कितना समय लेती है। 1, 2, 3 तो ब्रेकिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भाई, ब्रेकिंग तो भाई इसकी एकदम खतरनाक है। मतलब अब थोड़ा सा ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं। स्पीड यहाँ पर हमारी 50 के आसपास रहने वाली है। दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई करूँगा। गजब यार, ये तो पीछे वाला इसका चक्का हट गया कम से कम। ओवरऑल अगर मैं फीडबैक की बात करूँ तो भाई इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसका पीछे वाला जो व्हील है वो थोड़ा सा उठ जाता है अगर आप आगे वाली ब्रेक को ज़्यादा प्रेस करोगे तो, ठीक है। 5,000 RPM तक ये जा चुकी है। जब ये 5,000 RPM के ऊपर में जाती है तो हैंडल बार के ऊपर में हल्के फुल्के मतलब कि बहुत ही माइनर से वाइब्रेशन आपको फील हो सकते हैं। हैंडलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सिंगल पाइप हैंडल बार मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी खतरा है। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा नीची नहीं है, थोड़ी सी चौड़ी है। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं बाइक पर अभी बैठा हुआ हूँ तो मेरे दोनों हाथ एकदम सीधे हैं और मुझे अपने शरीर को मतलब कि पीठ को थोड़ा सा झुकाना पड़ रहा है। मतलब कि थोड़ा सा आपको इसको चलाते समय झुकना तो पड़ेगा बाइक। और बाइक के जो फुटपैक्स हैं वो थोड़े से आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। तो बाइक को चलाते समय आपको पूरा का पूरा छोटी बाइक जैसा फील आने वाला है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है अभी मेरे को बैठने से पता चल रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा मुलायम है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मीडियम लेवल का आपको सीट कम्फर्ट मिल जाएगा। अगर मैं नॉन स्टॉप की बात करूँ तो मेरे हिसाब से आप इस बाइक को लगातार 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक आप बिना रुके बिना थके आप इसको चला सकते हैं। सीट अब देखो गियर बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कंपनी देती है 5-speed गियर बॉक्स, उसमें 6 गियर आपको नहीं मिलते हैं। जैसे ही मैं इसमें पहला गियर डालता हूँ तो भाई काफ़ी स्मूथ तरीके से बढ़ जाता है। दूसरा भी डल गया है, चौथा भी डल चुका है और ये 5वां भी डल चुका है। तो मतलब कि गियर डालने में कोई भी अटकने जैसा साउंड वगैरह फील नहीं होता है। स्लीपर क्लच की वजह से आप लोग इसमें गियर बहुत कुछ तरीके से डाल सकते हैं, बहुत कुछ तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो फ्रंट में 35 mm के अपसाइड डाउन शॉट है और मैं इसको बढ़कर बड्डे में चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसके जो सस्पेंशन है वो गड्ढों को मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि झटका वगैरह उतनी पूरी तरह से आपको फील नहीं होता है। हाँ अभी कंकड़ में पत्थर में कैसे भी चला लो, मतलब कि बाइक देखो भाई सामना तो पड़ेगा। ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे आ रहे हैं, मतलब कि पूरा सस्पेंशन इसका दब जाता है। देख रहे हो वो पूरे गड्ढे हैं, खराब से खराब रोड हैं, पूरा सस्पेंशन इसका दब जाता है। कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ एकदम से खट जैसा साउंड होगा। और साइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स दिया है। जब हम इस बाइक को इनिशियल के साथ उठाएंगे हाई स्पीड में तो इसका जो पिछला वाला व्हील है ना वो मतलब कि स्पीड को सेंस करके मतलब कि जो है वो रोड से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा स्पीड के अनुसार। टैंक इसमें 14 लीटर का दिया गया है और जिस पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसके टैंक को हक किया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पर USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी आपको मिल जाता है, तो मोबाइल को भी आप बाइक को चलाते चलाते चार्ज भी कर सकते हैं। दूसरा भाई इसमें अपडेट के तौर पर फुल डिजिटल मीटर दिया है तो मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ पर स्पीड आपको नज़र आने वाली है। सीट कम्फर्ट मुझे इसका थोड़ा सा मीडियम लगा। हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, राइडिंग पोजिशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है और जो डुअल चैनल ABS का जो रिस्पॉन्स है सेफ्टी के लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इंजन रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छी है, हालांकि इसमें 250 cc का इंजन है 5-speed गियर बॉक्स के साथ, वजह से इसका जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। और देखो गियर बॉक्स इसका काफ़ी स्मूथ है, प्रॉपर एक बार में शिफ्ट करता है एक बार में डाउन शिफ्ट करता है।
और स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर की क्वालिटी हो या फिर बिल्ड क्वालिटी हो या फिर फाइबर की हो या मेटल की हो, मतलब एक नंबर है, कहीं भी आपको एकदम कॉस्ट कटिंग नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक को चलाने के बाद मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या क्या चीज़ें जो है वो कंपनी को इसमें अपडेट और करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे को यहाँ पर अच्छी लगी वो है भाई, यहाँ पर USD जो फॉर्क हैं गोल्डन कलर के जो 37mm के दिए गए हैं। अदर जो बाइक होती है उनमें थोड़े से स्टिप होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सस्पेंशन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। डुअल चैनल ABS का जो रिस्पॉन्स है सेफ्टी के लिए वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट और होनी चाहिए कि सीट का जो कंफर्ट है वो थोड़ा सा और स्मूथ किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं है। 140mm का चौड़ा टायर है, जब आप इसको हाई स्पीड में भी चलाओगे, हाईवे पे भी चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एकदम रोड से चिपक के चलेगी। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्ट कंपनी को करनी चाहिए, ठीक है। और भाई विजिबिलिटी के मामले में इस बाइक का कोई भी मुकाबला नहीं है। वाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको इसकी हेडलाइट में काफ़ी अच्छी रोशनी आपको देखने को मिल जाएगी। अब भाई प्राइस की बात कर लेते हैं तो 1,50,829 रुपये इसकी एक्सोरूम कीमत है। और भाई इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है,